आदाब। पलपल न्यूज के न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पर आपको पूरी तरह से अपनी इबादत करने की आजादी नहीं है, और हम उस दौर में हैं जहां पर पूरी दुनिया में, चाहे भारत हो, चाहे भारत के बाहर जाएं, श्रीलंका हो, चाहे लंदन हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, हर जगह लगातार बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, या यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया इस्लामोफोबिया की चपेट में आ चुकी है, या यूं कह लीजिए कि इस्लाम और मुसलमानों से नफरत करने वालों की गिनती में इजाफा हो चुका है। क्योंकि लगातार जो खबरें हम लोगों के सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं इंसानियत हर जगह से मानो जैसे खत्म सी हो गई है। हर जगह दंगाई भरे पड़े हैं, हर जगह मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। जहां मैंने बताया कि कल दो दिन पहले असम की आग अभी ठंडी नहीं हुई, तो वहीं हमारे सामने लंदन और श्रीलंका से एक अफसोसनाक खबर हम लोगों के सामने आती है। जब वो सामने आती है तो देख करके उतना ही गुस्सा आता है कि हिंदू मुसलमान हो, चाहे ईसाई मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जगह पर कोई भी मसल के मानने वाले लोग हों, हर जगह नुकसान सिर्फ मुसलमानों को ही उठाना पड़ रहा है। जहां जिसकी तादाद ज्यादा है वो वहां पर पूरी तरीके से अपनी गुंडागर्दी को अपना रहा है और मुसलमानों को दबाने की कोशिश पुरजोर तरीके से लगातार की जा रही है। मैं अपनी बात को रखूंगा, पहले नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो हम लोगों के सामने आ रही है। श्रीलंका में पिछले माह हुए सिलसिलेवार धमाकों के बाद से ही पूरे देश में माहौल अस्थिर चल रहा है। सोशल मीडिया पर एक फेसबुक पोस्ट के वायरल होने के बाद श्रीलंका के पश्चिम तटीय शहर चिल्ला में रविवार को तनाव बढ़ गया, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने एक मस्जिद और मुस्लिमों की कुछ दुकानों पर पथराव किया, जिसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस ने बताया कि एहतियात के तौर पर यह कर्फ्यू सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लगा रहेगा। उन्होंने बताया कि स्थिति पर नियंत्रण के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कैथोलिक बहुल इस क्षेत्र में शनिवार से कैथोलिक और मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव में वृद्धि हुई है। इसे ईस्टर संडे के मौके पर गिरजाघरों और होटलों पर हुए हमलों में 250 लोगों की मौत का परिणाम माना जा रहा है। यहां के निवासियों ने बताया कि दोनों समुदाय के बीच यहां शनिवार से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट काफी शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक फेसबुक यूजर ने लिखा, हमें रुलाना काफी मुश्किल है, और इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। यह पोस्ट स्थानीय भाषा में लिखी गई है। इसके बाद मुस्लिम नाम वाले एक यूजर ने जवाब दिया, ज्यादा हंसो मत, एक दिन तुम रोने वाले हो। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि उन्होंने फेसबुक यूजर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान 38 साल के हमीद मोहम्मद हसमार के तौर पर हुई है, जो चिला के उस इलाके में रहता है जहां ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है। इससे नाराज भीड़ ने आरोपी की जमकर पिटाई की। एक स्थानीय मुस्लिम युवक के नाम ना छपने की शर्त पर बताया कि इसके बाद कुछ लोगों ने मस्जिदों और मुस्लिम युवकों की दुकान पर पथराव भी किया है। हमें रात का डर है, उसने कहा कि एक मस्जिद काफी ज्यादा तोड़ी जा चुकी है। इसके अलावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से फैलाई जा रही है, जिसमें कुछ लोग मुस्लिमों की दुकान पर पथराव कर रहे हैं। इससे पहले मई माह के शुरुआती दिनों में निगम्बो में दंगा भड़क गया था। इस दौरान भी दोनों समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। ये वही शहर है जहां सेंट सर्वियन चर्च भी है। इस चर्च में ईस्टर संडे को धमाके हुए थे, और इन दंगों के बाद कार्डिनल
मैक्लेम रंजित ईसाइयों ने और अन्य समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी और कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी हमारे भाई ही हैं। आपको बता दें कि बंदूक के साथ एक नकाबपोश व्यक्ति ने गुरुवार को इल्फर्ड में सेवन किंग्स मस्जिद में प्रवेश किया। उपासकों ने उसे इमारत से बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक बंदूक की गोली की आवाज सुनी, सोच की यह एक खाली फायरिंग हैंडगन से आई है। जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी को चोट या क्षति नहीं हुई है। इस घटना को आतंकवाद से संबंधित नहीं माना जाता है। स्कॉटलैंड यार्ड के अनुसार हाई रोड से मस्जिद के करीब एक गली में पहले की घटना से यह घटना हो सकती है। नमाज शुरू होने के आधे घंटे बाद बंदूक की आवाज सुनाई गई। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुस्लिम काउंसिल के प्रवक्ता द्वारा ट्विटर पर साझा किए गए एक बयान में मस्जिद के इमाम मुफ्ती सोहेल ने कहा कि संदिग्ध के इरादे स्थापित नहीं हुए हैं। लंदन के मेयर सादिक खान ने ट्वीट किया, मैं सेवन किंग्स मस्जिद में इस घटना के बारे में आयुक्त के साथ निकट संपर्क में हूँ और यह सुनकर राहत मिली कि कोई भी घायल नहीं था। सभी को अपने विश्वास को खतरे और भय से मुक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। घटना स्थल पर पुलिस की बढ़ती उपस्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आपने देखा कि श्रीलंका की मस्जिद में फेसबुक के एक पोस्ट डालने से इतना हंगामा हो गया कि देखते ही देखते मुस्लिमों पर, जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने मुस्लिमों पर हल्ला बोल दिया, उन्हें मारा पीटा जाने लगा। और जब इससे भी उनकी नफरत ठंडी नहीं हुई तो मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। श्रीलंका में बीते कुछ दिनों पहले धमाके में 250 लोग मारे जाने के बाद से लगातार वहां के हालात मुसलमानों के लिए खराब बताए जा रहे हैं और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की खबरें श्रीलंका से हम लोगों के सामने आ रही हैं। तो वहीं हमने देखा था कि बीते एक महीने पहले जब न्यूजीलैंड में मस्जिद के ऊपर एक आतंकी हमला करता है और देखते ही देखते 50 से ज्यादा लोगों को शहीद कर देता है, उसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों को कई बार बताया है कि किस तरीके से वो लोग उपद्र पर उतर आए हैं और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और लाइव वीडियो बनाया जाता है और कहा जाता है कि मुस्लिमों को मारने में सुकून मिलता है। इस तरीके की बातें वो आतंकवादी कहता हुआ सुनाई देता है। ये आग ठंडी नहीं होती कि लंदन से हम लोगों के सामने एक अफसोसनाक खबर आती है और मस्जिद में गोली चलने की बात जब सामने आती है तो फिर से लोगों के जहन में न्यूजीलैंड का वो मसला याद आता है और दुआओं में हाथ उठने लगते हैं कि कहीं इस बार किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ हो। और लगातार इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बार बार मुसलमानों को मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिरकार इतनी नफरत कहां से लोगों के दिलों में आ गई है, इसके बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पर लोग अब ये कहने लगे हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में आई है और भारत में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से इन घटनाओं में लगातार वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, जहां लगातार मुसलमानों को और मस्जिदों को अब निशाना बनाया जाने लगा है। ये बहुत ही अफसोसनाक हो चला है कि पूरी तरीके से कहीं भी मुसलमानों को घूमने की आजादी नहीं है, मुसलमानों को इबादत करने की आजादी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग में मुसलमानों को आग में झोंक देना चाहते हैं और उसके बाद क्या तस्वीरें हम लोगों के सामने आती हैं, वो वाकई अफसोसनाक बनती हुई दिखाई देती हैं। और इसके ऊपर किस तरह लगाम लगाया जाए, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है और ना ही इसके ऊपर ध्यान देने के बारे में कोई कदम उठाया जा रहा है। ऐसी खबरों को लगातार छुपाया जा रहा है, इन खबरों के बारे में हमें बताया नहीं जा रहा।
बेशक वो आप लोगों से इन खबरों को छुपाते रहे, पर हम हर खबर के पहलू की जड़ तक आपको पहुंचाते रहेंगे और जो विक्टिम हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते हुए नजर आएंगे। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय दीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।